अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमको हूँ ना अपने बाबा से, क्यों हमको अपने बाबा के पास जाने दे। पापा ए छोके, यमुना। जी सरकार। चित्ता छोकरी को हमारी गौशाला में बांध दो। हाँ, पर ध्यान रहे, हम जिस गाय का दूध पीते हैं उसे दूर। जी ठीक है सरकार। छोड़ो सरकार, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमको छोड़ दीजिए ना, छोड़ देना, हमको अपने बाबा के पास जाना है, हम तो बस इच्छा पाना चाहते हैं सरकार, छोड़ दीजिए ना हमको। जी ये तो अभी छोटी बच्ची है। चिंगारी छोटी हो तो ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वो आग नहीं लगा सकती गंगा जी। सब बना बनाया राख कर सकती है, सरकार के फैसले में दखल अंदाजी करने वाला छोटा हो या बड़ा बस विद्रोही होता है और सरकार को विद्रोही कतई ही पसंद नहीं। छोड़ ना, गाय से दूर। स्कूल चल, स्कूल में सर कहते हैं ना, शिक्षा जिसका अधिकार है उसी को मिलेगी। आकाश आज नहीं जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। आप ही नहीं स्कूल छोड़ के आई। राम जी हम कहाँ गलत किए थे, आप तो हमेशा हमारी मदद करते हैं ना, तो इस बार काई नहीं कर रहे, आप ही हमको बताइए सच्चा पाना कौन गलत बात है का। हम समझ सकते हैं तुम पर का बीतरी होगी, इना गंदे लोग हैं, हमको भी तुम्हारे तरह यह बांध रखा है तो अपने माँ के पास नहीं जा सकती और ना हम अपने बाबा के पास जा सकते। तुम्हारा दिमाग फिर गया है का हरीश, तुम सरकार से अकेले बगावत करना चाहते हो। क्या करें बोलो बिंदी, क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, बस्ती में आकर हमारी आंखों के सामने से ले गया हमारी बेटी को, तो
हम बगावत भी ना करें तो क्या करें? देख, चंगू पर हमने भी अपनी ममता न्योछावर की है, तुमसे बराबरी नहीं कर रहे, बाकी रत्ती भर भी तुमसे कम प्यार नहीं करते हम जग्गू को। हमारा कलेजा भी तुम्हारी तरह ही फट रहा है, बाकी तुम जो करने का सोच रहे हो उसमें पूरा बस्ती जलकर खाक हो जाएगा हरीश। खाक होती है तो हो जाए बस्ती, वैसे भी कौन सा शांति है ये बस्ती में? अरे सांस लेने के लिए भी तुम्हारी उस सरकार के मोहताज हैं हम सब। क्या गलती की थी हमारी जग्गू? शिक्षा पाने का ही तो सपना देखी थी ना। अरे खुद को तो बेच चुके हम लोग उस सरकार के हाथों, आपका अपने बच्चों का सपना भी उनके नाम करते। हरीश अपाहिज जरूर हुआ है लेकिन एक बाप लाचार नहीं है। हरीश भाई, तुम खुद से एक कदम चल भी नहीं पा रहे, ये सब कैसे करोगे? राका, जब एक बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़ के अपने पांव पे खड़ा होना सीखता है ना, हमारी बिटिया भी अपने बाबा के लिए बहर बनाकर गई है। तो जग्गू ने कहा बाबा खड़ा हो जा, भगत आ गया बाबा, अभी बहर होकर भी अपनी जग्गू को नहीं बचा पाए ना, तो धिक्कार है हमें खुद पर। इस पैर के सहारे तुम जीत पाओगे हरीश? और कितनी बार हारेंगे जिंदगी में बिंदी, अपनी बेटी की मां को हारे, शराब के आगे ऐसा हारे कि हरी नन्नी जान को ना जाने खाका करना पड़ा। पूरी बस्ती से लड़ गई अपने बाबा के लिए, उसका बाबा लड़ेगा उसके लिए, और जीत का गुर तो उसने ही सिखाया ना अपने बाबा को, हो 100 रुपल्ली जो कमा के लाई थी, अब उसको बचाने के लिए उसके बाबा का जान भी गया ना, तो भी उसका बाबा नहीं रुकेगा। चक्कू को बचाएगा उसका बाबा, चक्कू को बचाएगा। हरीश भाई, तुम एक बाप का फर्ज निभाओ, हम दोस्ती का फर्ज निभाते हैं। वो कहा है ना, इसमें हमारा स्वार्थ है, ये जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये जिंदगी हम अपने बच्चे को नहीं देना चाहते। अब हम तुम्हारे हर फैसले में साथ हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा जागृति, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने में हेल्प करने आया हूँ। हेलो, मने मतलब मदद यार, मैं करने आया हूँ तुम्हारी मदद। सच में तुम हमारे लिए सरकार के खिलाफ जाओगे? हाँ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें डरने लगेगा? डर तो लगेगा, लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूंगा तो डर भाग जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।